हेलो गाइज, वेलकम बैक टू माय चैनल। गाइज, अगर आप भी अपने बालों से बहुत ही ज़्यादा परेशान हैं, अगर आपके बाल बहुत ही ज़्यादा सफ़ेद हो रहे हैं, या फिर आपके बाल देखने में बहुत ही ज़्यादा रफ ड्राई दिखाई देते हैं, बेजान दिखाई देते हैं, या फिर आपके बाल सर पर बहुत ही ज़्यादा हल्के हो गए हैं, या फिर अगर आपके बालों की लंबाई नहीं बढ़ रही है, और ऐसी कई सारी समस्याएं आपको बालों को लेकर है, तो आप इस वीडियो को एंड तक देखिए, क्योंकि आज इस वीडियो में मैं आपके लिए कैसा कारगर नुस्खा बनाऊंगा जिसके मात्र कुछ ही दिनों के कंटिन्यू इस्तेमाल से आप अपने बालों की लंबाई तेजी से बढ़ा सकते हैं, अपने बालों को बहुत ज़्यादा मजबूत बना सकते हैं, और समय के साथ साथ आपके बाल बहुत ज़्यादा काले, घने, लंबे, सिल्की व शाइनी हो जाएंगे और आपके बालों की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो गाइस, बने रहिए इस वीडियो में, इस वीडियो को एंड तक देखिए। और गाइस, आपसे एक रिक्वेस्ट भी है, अगर आपने हमारे चैनल को तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में उस बेल आइकन को भी प्रेस कर लीजिए। गाइस, चार चीज़ों की मदद से हम इसे बनाने वाले हैं, जिसमें पहली चीज़ है गाइस मेथी दाना। आपको मेथी दाना ले लेना है या किसी भी परचून की दुकान से अवेलेबल हो जाएगा। मेथी के अंदर वो सारी खूबियाँ होती है जो आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्थी बनाती है, आपके बालों को सिल्की शाइनी बनाती है और बालों की लंबाई बढ़ाने में बहुत ज़्यादा मदद करती है। गाइस, दूसरी चीज़ जो आपको चाहिए वह गाइस कलौंजी, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। गाइस, कलौंजी आपके बालों को जड़ से काला करने में बहुत ज़्यादा मदद करती है और इसके इस्तेमाल से आपके बालों की मजबूती बहुत ज़्यादा बढ़ती है, आपके बालों की लंबाई बढ़ती है और बालों का टूटना झड़ना बिल्कुल ही बंद हो जाता है। तीसरी चीज़ जो आपको चाहिए वह गाइस कोकोनट ऑयल। आप जो भी ऑयल अपने बालों में इस्तेमाल करते हैं आप वो यूज़ कीजिए, चेंज करने की बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है। मैं कोकोनट ऑयल इस्तेमाल करने वाला हूँ इस वीडियो में। और चौथी चीज़ जो आपको चाहिए वह गाइस रीठा पाउडर, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। आपको रीठा पाउडर ले आना है या आपको किसी भी केमिस्ट से बहुत ही इजीली अवेलेबल हो जाएगा। और गाइस, इन चारों चीज़ों की मदद से आपको ये नुस्खा बनाना है। तो चलिए पहले नुस्खा बनाते हैं, फिर मैं आपको बताऊंगा कि कैसे आपको इसको अपने बालों में लगाना है। आपको सिंपली एक बर्तन ले लेना है और उसके अंदर एक गिलास से थोड़ा कम पानी ऐड कर लेना है और गाइस उसको थोड़ा गर्म कर लेना है। और जब वो हल्का गर्म हो जाए तो आपको उसके अंदर ऐड करना है 2 चम्मच मेथी दाना, जैसे कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं। और 2 चम्मच मेथी दाने के बाद आपको 2 चम्मच कलौंजी भी इसके अंदर ऐड करनी है और इसको अच्छे तरीके से उबाल लेना है ताकि मेथी दाना और कलौंजी पानी में अच्छे तरीके से मिक्स हो जाए, जो इनके गुण होते हैं वो पानी के अंदर आ जाए। और जब आपका ये काम हो जाए, जब पानी उबल जाए, तो गाइस आपको पानी को छान लेना है और पानी को अलग कर लेना है, कुछ इस तरीके से आपको कर लेना है। और गाइस उसके बाद आपको सिंपली करना है कि रीठा पाउडर का 1 चम्मच भी इसके अंदर ऐड कर देना है। रीठा पाउडर आपके बालों को बहुत ज़्यादा हेल्थी बनाएगा, बालों की लंबाई बढ़ाएगा। और रीठा पाउडर ऐड करने के बाद 2 चम्मच आपको कोकोनट ऑयल इसके अंदर ऐड करना है। और गाइस देखिए, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, आपका नुस्खा बनकर तैयार हो गया। आपको इसको अच्छे तरीके से मिक्स कर लेना है। और गाइस, अब आपको इसको अपने बालों पर डेली रूटीन में अप्लाई करना है। आप 2 दिन में चाहें एक बार इस्तेमाल कर सकते हैं। जिस तरीके से आप अपने बालों में ऑयल इस्तेमाल करते हैं उसी तरीके से आप इसको इस्तेमाल कर सकते हैं। नहाने से 1 या 2 घंटे पहले भी आप इसे अपने बालों की जड़ों में लगा सकते हैं, या फिर रात को सोने से पहले भी आप अपने बालों की जड़ों में मसाज करते हुए इसे लगा लीजिए और मॉर्निंग में उठने के बाद आप अपने बालों को शैम्पू से वॉश कर लीजिए। अगर ये प्रक्रिया आप 1 महीने तक कंटिन्यू कर लेंगे तो आपके बालों की जो बहुत सारी समस्याएं होती हैं, सफ़ेद होने की, बालों के रूखे सूखे होने की, बालों की लंबाई न बढ़ने की, या फिर बाल बहुत ज़्यादा हल्के होने की, वो सारी समस्याएं खत्म हो जाएगी। आपके बाल बहुत ज़्यादा काले हो जाएंगे, सिल्की हो जाएंगे, शाइनी हो जाएंगे, घने हो जाएंगे, मजबूत हो जाएंगे और समय के साथ साथ आपके बालों की खूबसूरती बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। सो गाइज, अगर आपको भी ऐसी कोई समस्या है तो आप इस वीडियो के माध्यम से अपने बालों की समस्या को खत्म कर सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, कमेंट और शेयर जरूर कीजिएगा और साथ ही साथ हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो चलिए दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नई वीडियो में नई जानकारी के साथ। अब तक के लिए धन्यवाद।